हम एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं, सुनाई किसी को नहीं पड़ रहा है। तो बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को लगता है कि यार बताओ ऐसा कर रहा है। गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट हैं। जिसको आप 6 देखते हैं उसको सामने वाला 9 देखता है कि तुमने मेरे भेड़ की टांग तोड़ दी। सब अपना अपना नरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। बात सही भी लगती है कि हाँ यार। अब इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, हिस्ट्री। आज मैं थोड़ा इस विषय के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। अब हिस्ट्री दुनिया का एकमात्र विषय है जिसको पढ़ाने में सबसे ज्यादा खतरा है। अब साइंस में न्यूटन का लॉ है तो है, उसमें क्या बदलोगे, लेकिन ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट्स हैं, खास विशेषकर हिस्ट्री, उसमें एक वर्ड होता है पर्सपेक्टिव। अब हिस्टोरिकली हम देखें तो उसमें सब अल्टर्न पर्सपेक्टिव है, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव है, ऐसे कई सारे पर्सपेक्टिव हैं, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। पर इतिहास के 2 पर्सपेक्टिव बड़े प्रसिद्ध हैं। एक ये विषय शाही लोगों के लिए लिखा जाता है, एरिस्टोक्रेसी, और एक आम लोगों के लिए लिखा जाता है, कॉमन पीपल। ये एकमात्र विषय है पूरे दुनिया का जो इन 2 वर्गों के लिए भी लिखा जाता है, क्योंकि इसके नरेटिव को बनाकर जनमानस में एक विचारधारा तैयार की जाती है। जैसे आप चीन में जाएं तो वहां आपको सिर्फ साम्यवादी नेताओं का महिमा मंडन मिलेगा, साम्यवाद, कम्युनिज्म। आप पाकिस्तान में जाएं, ऐसे आप दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे तो वहां की जो विचारधारा होगी वहां की सरकार पर आधारित होगी। यह हर हर जगह होता, कोई ऐसा नहीं है किसी एक जगह होता, यह सारी जगह होता है। सब अपना अपना नरेटिव फैलाने की कोशिश करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि गांधी जी की एक घटना है, बड़ा छोटी सी। 5 फरवरी 1922, 1920 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया, असहयोग आंदोलन। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का कांड हुआ, 22 पुलिस वाले और पुलिस थाने को जला दिया गया। अब 22 पुलिस वाले और पुलिस थाने को जलाना यह सरकार पर हमला है। अब जैसे ही सरकार पर हमला हुआ, सरकार पर अगर आंदोलनकारी हमला करेंगे तो सरकार तो पलट कर रिटेलिएट करेगी। तो गांधी जी ने एक बड़ा श्रेष्ठ कदम लिया कि जैसे ही यह हमला हुआ उन्होंने असहयोग आंदोलन को रोक दिया। वो सरकार के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे, सरकार उनकी दुश्मन नहीं थी। जैसे ही यह हमला हुआ, वैसे तो हिंसा प्रिंस चार्ल्स के आगमन पर भी हुई मुंबई में, लेकिन आंदोलन नहीं रुका। लेकिन यह 22 पुलिस वालों के साथ जो पुलिस थाना चलाया गया, यह सरकार पर हमला था। और गांधी जी को पता था कि मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और सरकार सबको पीटेगी, और दोबारा जब हम बुलाएंगे तो कोई नहीं आएगा। उन्होंने आंदोलन को रोक दिया। अब जब उन्होंने असहयोग आंदोलन को इस घटना के बाद रोका, तो विपिन चंद्रा सर ये कहते हैं, अगर आप विपिन चंद्रा की सर की किताब पढ़ें तो वो कहते हैं कि गांधी जी एक बड़े दूरदर्शी थे। उन्हें पता था कि मुट्ठी भर लोग खड़े हैं और मुट्ठी भर लोग को सरकार इतना पीटेगी कि वो दोबारा बुलाने पर कभी नहीं आएंगे। तो गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया, ये विपिन चंद्रा सर कह रहे हैं। घटना एक है, कह रहे हैं कि गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया और जनता मार नहीं खाई। इसकी सजा गांधी जी को भुगतनी पड़ी, वो पकड़े गए और 6 साल के लिए उनको सजा हुई। बात सही भी लगती है कि हाँ यार, जनता तो कहीं मार नहीं खाई, जनता तो कहीं नहीं मारी गई। लेकिन इसी घटना को जब सुमित सरकार सर समझाते हैं, लेकिन सुमित सरकार सर कहते हैं कि ऐसा नहीं है। अब देखिए, जिसको आप 6 देखते हैं उसको सामने वाला 9 देखता है। अब सुमित सरकार सर यहां कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, 1917 की रूसी क्रांति हो चुकी है, किसान सभाएं बन रही हैं,
मजदूरों के दल बन रहे हैं, किसानों की सभाएं बन रही हैं, मजदूरों के दल बन रहे हैं, और गांधी जिनका नेतृत्व करते हैं वो पूंजीपति हैं, और गांधी जी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आजादी का आंदोलन मजदूरों और किसानों के हाथों में चला जाए। तो उन्होंने पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए, टू सेव द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट जमींदार्स, उन्होंने इस आंदोलन को रोका। देखो सर, घटना एक ही है लेकिन पर्सपेक्टिव बदल रहा है। फिर अन्य संगठन है, वो कहते हैं अरे ये तो मसला बिल्कुल नहीं है, गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट हैं। एक और जो विचारधारा है वो कहती ना ऐसा थोड़ी है, गांधी जी अंग्रेजों के एजेंट हैं। जब भी जनता सरकार से त्रस्त होती थी वो जनता को आवाज लगाते थे, उसको खड़ा करके उसका सारा गुस्सा बाहर निकलवा देते थे, फिर आंदोलन खत्म करके वापस भेज देते थे। एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि गांधी जी सरकार के एजेंट थे, जब भी जनता सरकार से गुस्से में भर जाती थी वो जनता को बुलाते थे, और जब जनता का गुस्सा शांत हो जाता था तो उसे वापस भेज देते थे। अब एक घटना के तीन पर्सपेक्टिव। अब सवाल यह है कि जो आदमी आपको वीडियो डाल रहा है वो किस पर्सपेक्टिव से दिखाने की कोशिश कर रहा है। हम तो भैया सिविल सर्विस को पढ़ाने वाले लोग हैं, ये सरकार की किताबें हैं, ये सरकार की किताबें हैं NCERT। अब इस किताब में सरकार ने लिखवाया कि औरंगजेब, पेज नंबर 322, ये किताब है NCERT। अब सरकार ने लिखवाया कि औरंगजेब के शासनकाल के उत्तरार्ध में हिंदू सरदारों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, और एक अवस्था ऐसी भी आई जब कुल सरदारों में हिंदू सरदारों का अनुपात एक तिहाई हो गया। एक बार एक अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद का दावा किया गया था, उस पर औरंगजेब ने लिखा, धर्म के मामलों से सांसारिक मामलों का क्या दखल। ये देखिए सर, पेज नंबर 322। अब जो बच्चे IAS की तैयारी करने जा रहे हैं उनको तो हम यही पढ़ाएंगे ना। देखिए पेज नंबर 322, देखिए साफ साफ लिखा है उसने, एक बार एक अर्जी में धार्मिक आधार पर एक पद का दावा किया गया था। देखिए दावा किया गया था, उस पर औरंगजेब ने लिखा कि धर्म के मामलों में सांसारिक मामलों का क्या दखल, और धर्म के मामलों में धर्मांधता के लिए कहां जगह है। आपके लिए आपका धर्म है और मेरे लिए मेरा। यदि आपका सुझाया यह नियम स्थापित हो जाए तो मेरा कर्तव्य सभी हिंदू राजाओं और उनके समर्थकों को खत्म कर देना हो जाएगा। यह औरंगजेब लिख रहा है, यह 322 नंबर पेज पे लिखा हुआ है, आज खोलकर पढ़िएगा। यह मध्यकालीन भारत की NCERT है, भारतीय सरकार द्वारा संचालित। सर आप इसको बदल दीजिए, आप जो कहेंगे जो आप लिखवाएंगे हम वो पढ़ा देंगे सर। तो भाइयों और बहनों मेरा आपसे एक निवेदन है, चूंकि इस देश में बहुसंख्यक लोगों ने 10th के बाद इतिहास नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे मेरे भाइयों बहनों को लगता है कि यार बताओ ऐसा कर रहा है। एक कहानी सुनाता हूं आपको, इस दुनिया में सारा फसाद क्यों है। एक आदमी था चरवाहा, भेड़ चराता था, तो उसकी पत्नी दोपहर में उसके लिए खाना लाती थी। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर बीतने लगी, उसकी पत्नी नहीं आई, और वो बहरा था आदमी, तो उसको लगा यार दोपहर खत्म होने वाली है, मेरी बीवी नहीं है यार। तो सामने एक आदमी लकड़ी काट रहा था, पेड़ लकड़ी काट रहा था, तो उस आदमी के पास गया, उसने कहा भाई, पेड़ हिलाया उसने, उसने देखा आदमी ने पलट के, कहा भाई तू मेरी भेड़ देख ले, मेरी आज बीवी खाना लेके नहीं आई है, मैं जरा खाना खा के आता हूं। वो जो पेड़ का लकड़ी काट रहा था वो भी बहरा था, ये चरवाहा भी बहरा और लकड़हारा भी बहरा। उसने कहा लगता है ये मुझसे लकड़ी मांग रहा है, उसने कहा जा जा। तो जब उसने कहा जा जा तो
चरवाहे को लगा कि कह रहा जा खा के आ, चला गया। गया खाना वाना खा के आया तो देखा इसकी भेड़े चरवर रही हैं, तो उसको बड़ा खुशी हुआ। तो बड़ा खुशी हुआ कि यार कितना बढ़िया आदमी है, देखो हमारी भेड़ों का ख्याल रखा इसने। तो उसके मन में एक बात आई कि यार बहुत बढ़िया आदमी है, क्यों ना इसको एक भेड़ मैं तोहफे में दे दूं। तो एक भेड़ उसके पास थी, उसकी टांग टूटी थी, उसको उसे काटना ही था 2-3 दिन में। तो उसने वो भेड़ उठाई और ले गया लकड़हारे के पास कि भाई मैं आपसे बहुत खुश हूं और आप ये भेड़ हमसे ले लो। अब उस बहरे को लगा कि यह मुझसे यह कह रहा है कि तुमने मेरे भेड़ की टांग तोड़ दी। वो लगा चिल्लाने, वो भी बहरा वो लगा चिल्लाने कि अरे तुम ऐसा कैसे ये वो। उसने कहा भैया ये ले जाओ, हम तुमको दे रहे हैं। उसने कहा मैंने टांग तोड़ी है, मैं नहीं भेड़ लाके दूं। तब तक उधर से घुड़सवार निकला बगल से, इन लोग दोनों ने उसको रोक लिया। वो जो घुड़सवार था वो चोर था, वो घोड़ा चुरा के भाग रहा था और वो भी बहरा था। तो ये दोनों जब उसका हाथ पकड़े तो उसको लगा कि ये घोड़ा ही नहीं कहा है। तो उसने उन दोनों से कहा कि भैया अगर घोड़ा आपका है तो आप ले लो, हम जा रहे हैं। तो पहले जो चरवाहा था उसने कहा भैया मैं इनको भेड़ दे रहा हूं, ये भेड़ नहीं ले रहे। जो लकड़हारा था उसने कहा भैया मैंने इनके भेड़ की टांग नहीं तोड़ी। वो घुड़सवार कह रहा कि भैया अगर दोनों में से किसी का घोड़ा हो तो ले जाओ। और तीनों लड़ रहे हैं, सुनाई किसी को नहीं पड़ रहा है। तब तक उधर से एक सन्यासी आ रहा था, भारतीय सन्यासी भगवान। उसने मौन व्रत ले लिया था कि अब जीवन भर कभी नहीं बोलूंगा। तो तीनों अपनी परेशानी उसको बताने लगे। वो समझ गया कि मामला क्या, वो समझ गया कि तीनों बहरे हैं। तो सबसे पहले उसने घुड़सवार की तरफ देखा, उसकी आंख में आंख डाली और ध्यानियों की आंख में ऊर्जा। घुड़सवार तो घबरा गया एकदम से कि लगता है सम्मोहन कर रहा है, और सम्मोहन करके अपने साथ ले आया और कूद के घोड़ा बैठा निकल गया। फिर उसने दूसरे की तरफ देखा, लकड़हार चरवाहे की तरफ। चरवाहे को लगा ये बेहोश करने के चक्कर में है हमें, चरवाहा भी भाग गया। जब लकड़हारे ने देखा कि दोनों भाग गए तो लकड़हारा भी भागा। और उस सन्यासी ने बिना बोले इस मुद्दे को सॉल्व कर दिया। ये जो पूरे जीवन में संघर्ष है ना, हम एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं और बहुत सारे समय ऐसा होता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ नहीं पाता।